देख बिना पे डाउनलोड टक ऐप। यूपी पुलिस और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच टेंशन अब साख की लड़ाई तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं यूपी पुलिस ने उस स्कूटी का चालान काट दिया है जिस पर बैठकर प्रियंका गांधी शनिवार की शाम को गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी के घर जा रही थी। यूपी पुलिस का कहना था कि धारा 144 लगे होने की वजह से पुलिस टीम ने प्रियंका को रोका था। पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने बताया, प्रियंका ने अपने शो का जो शेड्यूल दिया था उसी हिसाब से उनके रोड शो का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन आखिरी समय पर प्रियंका ने अपना प्लान बदल दिया और इसी वजह से पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक प्रियंका ने पुलिस की एक न सुनी और अपने समर्थकों के साथ स्कूटी पर बैठकर निकल गईं। हालांकि बाद में वो स्कूटी से उतरकर पैदल चलने लगी। पुलिस ने घटना के बाद एक्शन लेते हुए स्कूटी पर 6,300 का चालान काट दिया है। पुलिस ने अलग अलग मोटर व्हीकल के धाराओं के तहत ये चालान काटा है। जानकारी के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए 2,500 रुपए, बिना हेलमेट के लिए 500 रुपए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 300 रुपए, खराब नंबर प्लेट के लिए 300 रुपए और रफ ड्राइविंग के लिए 2,500 रुपए का चालान काटा है। स्कूटी के चालान की बात सामने आने के बाद कांग्रेस नेता ने इससे तानाशाही बताया है। उनका कहना है कि पुलिस को चालान काटने से पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि प्रियंका जी कार से जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकी जिस वजह से उन्हें स्कूटी पर बैठना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।